हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या होता है और हम लोग इसको कैसे कॉन्फिगर करते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को लिस्ट व्यू बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे यहाँ पे लिस्ट व्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में दो और तरीके का व्यू जानेंगे, एक बिल्ड पाइपलाइन व्यू और एक डिलीवरी पाइपलाइन व्यू। ये दो तरीके का व्यू हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जान जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली मैं अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा दो जॉब है, एक जॉब ए है और एक जॉब बी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐसा ट्रिगर सेट किया है कि जब मेरा कोई ए जॉब है, ए जॉब जब सक्सेसफुल रन कर जाए तो वो क्या करे, बी को ट्रिगर कर दे। आप लोगों ने क्या सेट किया है, जब ए सक्सेसफुल रन कर जाए तो बी को ट्रिगर कर दे। तो इस केस में क्या हुआ, जो जॉब ट्रिगर कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए जॉब ट्रिगर कर रहा है बी को, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया बी जॉब के लिए, और यहाँ पे बी जॉब ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो बी जॉब के लिए ए जॉब क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, ऐसा समझिए। ठीक है, अब ऐसा, और अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसा समझिए, अपस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जॉब ऐसा समझिए जो जॉब सबसे पहले चलता है, और डाउनस्ट्रीम उसके नीचे वाला जॉब। जैसे यहाँ पे ए जॉब सबसे पहले चलेगा, और उसके बाद ये किसको, ये क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है बी जॉब को। ठीक है, बी जॉब को ट्रिगर कर रहा है, तो ए यहाँ पे अपस्ट्रीम हो गया, बी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम हो गया। ठीक है, मेनली यही होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट। तो इसको हम लोग कॉन्फिगर कैसे करते हैं, मैं कॉन्फिगर करूंगा तो आप लोग को और क्लियर आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्फिगर क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बी जॉब पे आते हैं, बी जॉब को हम लोग कॉन्फिगर करना है, और बी जॉब में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिगर सेट करेंगे। ठीक है, मैंने ट्रिगर के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना रखा है सारे ट्रिगर के बारे में, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सब कोई भी ट्रिगर के बारे में कोई कंफ्यूजन है। हम यहाँ पे एक ट्रिगर सेट करेंगे, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड। ठीक है, ये सब मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट में जेनकिंस फाइल की मदद से भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में, जब मैं जेनकिंस फाइल बताऊंगा। अभी फिलहाल ये मैंने आप लोग को एक क्लियर आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है, तो आप लोगों को क्या आइडिया लग जाए। और इसके अलावा मुझे डिलीवरी पाइपलाइन व्यू और बिल्ड पाइपलाइन व्यू के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। अभी मैं जब जेनकिंस फाइल बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से डिटेल्ड में आप लोग को बताऊंगा जेनकिंस फाइल की मदद से हम लोग कैसे इसको कॉन्फिगर करते हैं। तो फिलहाल अभी ये जानते हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट बिल्ड ट्रिगर को इनेबल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, ए। तो क्या होगा, ए जब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिगर सेट कर दिया कि जब ए जॉब सक्सेसफुल रन करेगा तो ये क्या करेगा, बी जॉब को ट्रिगर कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ, हम लोग को और क्लियर आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे आप, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे ए टेम्प ए इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं ये टेम्प नाम का फोल्डर में बना रहा हूँ, कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं है किस फोल्डर के अंदर बना है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखिए, यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या दिया है हमारा, ए, मतलब जब ए जॉब चलेगा तब ये बी को ट्रिगर करेगा। उसी तरह हम अगर हम ए जॉब का देखें, ए जॉब का अभी हम देखें यहाँ पे, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और हम ए जॉब को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेगा डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट लिखा रहेगा, इस जॉब का डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या है, बी, मतलब जब ए जॉब चलेगा तो बी जॉब को ये ट्रिगर करेगा, मतलब ये इसका डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब ये इसके नीचे आता है। तो यही है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। एक बार मैं आप लोग को सिंपल सा रन करके दिखाता हूं तो आप लोग को ऑल क्लियर आइडिया लगेगा। मैं अभी टेम्प में आता हूं और यहां पे आके मैं क्या करता हूं, हम लोग ने ट्रिगर ए जॉब को मैं बिल्ड करता हूं, तो यहां पे आप देखिएगा एग्जीक्यूटर में, तो यहां पे तो आप यहां देखिएगा जब ए जॉब चल रहा है तो यहां पे देखिए बी जॉब क्या है, क्यू में आ गया है। तो क्या होगा, या अगर मैं इस बी जॉब, अगर मैं यहाँ पे ए जॉब को हम लोग ने भी ट्रिगर किया, हम लोग बी जॉब को में आके देखते हैं, बी जॉब का एक बार इसका कॉन्फिगर हम लोग ओपन करते हैं इस जॉब को, तब आपको और क्लियर आइडिया लगेगा। यहाँ देखिए अभी इस बी जॉब में कितना है, चार बिल्ड है। ठीक है, हम ए जॉब को ट्रिगर करते हैं यहाँ पे, तो ये पांचवा बिल्ड हम लोग ने बिल्ड नहीं, हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ए जॉब चल रहा है, ए जॉब जब सक्सेसफुल रन कर जाएगा तो ये यहाँ पे बी जॉब को यहाँ पे अपने आप ये बिल्ड करेगा। आप देखिए यहाँ पे पांचवा, ठीक है, ये पांचवा जॉब अपने आप स्टार्ट हो गया, ये जॉब अपने आप स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसे ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट कॉन्फिगर होता है, और इसका बहुत ही रियल यूज केस में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रियल यूज केस नहीं, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, रियल यूज केस लाऊंगा तब आप लोग को और अच्छे से बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से मेविन सब का भी कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। तो ये था बेसिकली अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब मैं व्यू के बारे में थोड़ी बात करता हूँ आप लोग से। जैसे आप लोग यहाँ पे इस व्यू में आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा,
इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, डिलीवरी पाइपलाइन व्यू और बिल्ड पाइपलाइन व्यू। हम लोग ने लिस्ट व्यू के बारे में जान गए थे पिछले वीडियो में, तो हम लोग इस वीडियो में ये दोनों व्यू के बारे में जानेंगे। और एक बात और बता दूं, ये दोनों व्यू जो है बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, इसके लिए आप लोग को एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं अगर डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं डैशबोर्ड में अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं मैनेज प्लगइन्स में आता हूँ, मैनेज जेनकिंस, उसके बाद मैनेज प्लगइन्स, वहां पे दो हम लोग को प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन कौन से प्लगइन्स मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। अगर मैं यहाँ पे मैंने इंस्टॉल्ड कर लिया, इसलिए मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ रहा हूँ। आप यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स में जाइएगा। मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल्ड में आ रहा हूँ। यहाँ पे दो प्लगइन्स है, एक बिल्ड यहाँ पे देखिए, बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन्स, एक ये प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना है। जब आप ये प्लगइन्स इंस्टॉल कीजिएगा, बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन्स, तो इससे आपको बिल्ड व्यू आ जाएगा, बिल्ड पाइपलाइन व्यू। और इसी तरह एक और प्लगइन्स है डिलीवरी पाइपलाइन प्लगइन्स। ये दो प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना है। ये दो प्लगइन्स जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ये बेसिकली ये दो व्यू से क्या होता है, एक तरह से समझिए एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन जॉब सबका दिखाता है। जैसे कि मैं सबसे पहले डिलीवरी पाइपलाइन व्यू के बारे में आप लोग को बताता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, जॉब नाम दे देता हूँ, जो भी नाम देना चाहते हैं व्यू का दे दीजिए। इसके बाद क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। मेनली यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चेंज करना है, यहाँ पे ये सब ऑप्शन, आप कौन कौन सा ऑप्शन इस जॉब में देना चाहते हैं। तो मैं इसमें खाली ऑप्शन में अभी यहाँ पे करूंगा इनेबल रीबिल्ड का ऑप्शन। ये सब क्या होता है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी दो ऑप्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक इनेबल रीबिल्ड, मतलब रीबिल्ड का ऑप्शन रहे उस व्यू में, और इसके अलावा फिलहाल अभी एक मैं बिल्ड का यहाँ पे एक सो टोटल बिल्ड दे देता हूँ, सो बिल्ड टोटल बिल्ड टाइम। ये दो ऑप्शन मैं चाहता हूँ उस व्यू में रहे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए पाइपलाइन सबसे बेस्ट इस व्यू का क्या है, यहाँ पे पाइपलाइन को आप लोग एक तरह से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ आप लोग को, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल जॉब का नाम देना पड़ेगा। इनिशियल जॉब मतलब जो जॉब सबसे पहले रन करेगा, मतलब अपस्ट्रीम जॉब। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम जॉब का नाम दे दीजिए आप ए, और यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ अपस्ट्रीम, आप कुछ भी नाम यहाँ दे दीजिए। उसके बाद इसको आप ओके कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा इस व्यू में क्या आएगा। एक तरह से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आएगा, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, और हम लोगों ने टोटल बिल्ड टाइम इनेबल किया था इसलिए टोटल बिल्ड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जॉब जैसे ए जॉब रन करेगा या बी जॉब रन करेगा, और यहाँ पे इनेबल रीबिल्ड का ऑप्शन है तो इसको आप क्लिक करके रीबिल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जॉब स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो जो ऑप्शन यहाँ पे आपने दिया है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये एक तरह से अच्छा सा व्यू है कि आप जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा पाइपलाइन बनाया अभी, जैसे एयर यहाँ पे सिंपल सा एक एयर बी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है। रियल यूज केस में बहुत सारा पाइपलाइन सब भी रहता है, तो उस केस में आपको ट्रैक करने में आसानी रहता है कौन सा स्टेज में ये फेल किया। तो यहाँ पे आपको एक तरह से बहुत ही अच्छा ग्राफिकल व्यू नजर आता है ये सब का। उसी तरह एक प्लगइन्स है यहाँ पे बिल्ड डिलीवरी प्लगइन, ये बिल्ड पाइपलाइन व्यू, ये थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ जॉब वन, जैसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं टेस्टिंग टेस्ट नाम दे देता हूँ, और मैं बिल्ड पाइपलाइन व्यू देता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, ये और अच्छे तरीके से शो करेगा उसी रिजल्ट को, ठीक है। उसी रिजल्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट में यहाँ पे बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेशनशिप, मतलब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट को मेनली शो करने के लिए यूज होता है ये प्लगइन, इसलिए मैं ये ऑप्शन को एक ही ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है। और यहाँ पे इनिशियल जॉब आपको सेलेक्ट करना है, तो इनिशियल जॉब आप मतलब अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट जो मेरा टेम पे है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे देने हैं, जैसे कि फिलहाल अभी यहाँ पे हमको कुछ अभी चेंज नहीं करना है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अभी आपको और क्लियर आइडिया लगेगा। डिस्प्ले ऑप्शन सब मतलब होता है कि कौन कौन सा ऑप्शन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। बस ये देखिए, ये एक तरह से और अच्छे तरीके से ये व्यू बता रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं टेम्प में आता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ ए जॉब को, ठीक है, ए को रन करता हूँ, और मैं ए को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे आके आप देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ए रन कर गया, तो ये ब्लू रंग ग्रीन रंग में आ गया। और इसके बाद ये बी अब स्टार्ट होगा, बी जब स्टार्ट होगा तो ये भी अपना हो जाएगा बी। यहाँ पे आप देखिए अभी बी स्टार्ट हुआ है कि नहीं, बी आप देख सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
तो देखिए बी जब सक्सेसफुल रन किया तो ये भी ग्रीन में आ गया। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ट्रिगर पाइपलाइन, इसको आप कीजिएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा फिर से। तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया, तो ये एक अच्छे तरीके से व्यू सब बताता है, व्यू मतलब दर्शाता है, ये दो बहुत ही अच्छा व्यूज है, बहुत ही यूज होता है रेगुलर बेसिस पे, बिल्ड पाइपलाइन और डिलीवरी पाइपलाइन। और मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में बता दिया, मैं जब मैंने बताया जब जेनकिंस फाइल में स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ चार पांच वीडियो और आएंगे, जैसे अभी कुछ वीडियो आने वाले हैं, जैसे कि मैं बता दूं आप लोग को, एक अभी मैं डॉकर का वीडियो लाने वाला हूँ, मैंने डायनेमिक प्रोविजनिंग बताया था उसका वीडियो आएंगे, और एक मैंने डायनेमिक डॉकर इमेज बनाने का उसका ही वीडियो आएंगे, मतलब कुछ चार पांच वीडियो के बाद मैं आप जेनकिंस फाइल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक मेरा सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगर आपका कोई अपना यूज केस है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो ले आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।